तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पोषण पखवाड़ा हमारा 9 मार्च से शुरू हो गया है, और इस बार का पोषण पखवाड़ा दोस्तों 9 मार्च से और 23 मार्च तक चलेगा। 9 मार्च से और 23 मार्च तक के बीच आपको अपने केंद्र पर गतिविधि आयोजित करनी है, जो हमारे विभागीय कैलेंडर के अनुसार करनी है आपको। और आज दोस्तों 10 मार्च है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज जैसे 10 मार्च है और आज रविवार भी है, आपको जो केंद्र है, आपका केंद्र का भी अवकाश है, तो आज आपको फीडिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कैसे करनी है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है, वो भी घर बैठे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो हमारा विभागीय गतिविधि कैलेंडर है, एक बार मैं आपको वह दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा है पोषण पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च तक 2024। और दोस्तों इस बार का जो पोषण पखवाड़ा है हमारा, मुख्य तीन जो हमारी थीम है उन पर आधारित है। पहली थीम है दोस्तों हमारी यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी, और दूसरी थीम है दोस्तों यहाँ पर हमारी पोषण के दृष्टिगत जनजाति पारंपरिक और क्षेत्रीय आहार पद्धतियों के उपयोग केंद्रित संविधिकरण, और तीसरा है दोस्तों हमारा, जो तीसरा थीम है हमारा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल तथा नवजात एवं शिशुओं को उचित आहार व्यवहार। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिनांक दी गई है, क्रमांक है और दिनांक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहेंगे यहाँ पर 9 तारीख में आपको दो गतिविधि दी गई है, और 9 तारीख के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 तारीख के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 11 तारीख आ गई है। तो इससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको 10 तारीख में रविवार में कोई भी गतिविधि आपको यहाँ पर करने के लिए नहीं दी गई है, और केवल यहाँ पर 9 तारीख में दो गतिविधि दी गई है, उसके बाद 11 तारीख में आपको एक गतिविधि दी गई है। और 9 तारीख में दोस्तों हमारी दो गतिविधि क्या क्या हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 9 तारीख में दोस्तों हमारी पहली गतिविधि है जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर एवं आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण पखवाड़ा का उद्घाटन। तो दोस्तों ये हमारी पहली गतिविधि होगी, और इसमें प्रतिभागी कौन कौन रहेंगे, हमारे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, केवल इसमें हमारे विभाग जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है वो ही प्रतिभागी रहेगा। उसके बाद दोस्तों 9 तारीख में ही अर्थात 9 मार्च में ही दूसरे जो हमारी गतिविधि है उसके अंतर्गत लिखा हुआ है विभिन्न विभागों में फ्रंट लाइन वर्कर एवं समुदाय को सम्मिलित करते हुए ECCE गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए शपथ लेना। तो दूसरा दोस्तों यहाँ पर गतिविधि होगी हमारी ये शपथ लेना, और इसमें प्रतिभागी कौन कौन रहेंगे, इसमें है लिखा है दोस्तों समस्त कन्वर्जेंस विभाग। तो दोस्तों ये दो गतिविधि थी हमारी 9 तारीख की थी, और 9 तारीख के बाद दोस्तों 10 तारीख में कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं दी गई है, और 9 के बाद सीधा यहाँ पर आपको 11 तारीख में गतिविधि दी गई है। तो 11 तारीख की गतिविधि भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, इसमें लिखा है दोस्तों आंगनवाड़ी केंद्रों पर ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन, और फिर लिखा है खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों और पदों कार्यक्रम का आयोजन, और इसमें दोस्तों प्रतिभागी रहेंगे हमारे पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। तो दोस्तों ये हो गई आपकी 11 तारीख की गतिविधि। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज रविवार में 10 मार्च को आपको गतिविधि करनी है या नहीं करनी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर, हम अपने क्रोम ब्राउज़र को दोस्तों यहाँ से ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है पोषण अभियान, POSHAN पोषण, और फिर क्रम लिखना है यहाँ पे अभियान ABHIYAN। दोस्तों यहाँ पर आपको पोषण अभियान लिख के सर्च कर देना है, और यहाँ पर आप सबसे पहली वेबसाइट देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है पोषण अभियान जन आंदोलन, आपको इसी पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोषण अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, पोषण अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल चुकी है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये थ्री लाइन बनी हुई हैं, आपको इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, डैशबोर्ड, दूसरा गैलरी और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर डाटा एंट्री। तो आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर लिखा है डाटा एंट्री लॉगिन। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपको अपने कार्यालय से मिल जाएगा, आपके जो CDPOs हैं, आपके कार्यालय में जो मुख्य सेविका हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वहाँ से आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। वो यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको यहाँ से नीचे लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म खुल जाएगा, आपको इसको फिल करना है। और क्योंकि दोस्तों आज 10 तारीख है, तो मैं आपको बता दूँ कि 10 तारीख में अवकाश है, कोई भी गतिविधि नहीं है, इसलिए आप 10 तारीख की गतिविधि नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो 9 मार्च से पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ था, अगर आपने कल 9 मार्च में अपनी फीडिंग नहीं की थी तो आप उस फीडिंग को आज भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको 9 मार्च की फीडिंग करके दिखाऊंगा। अगर आपकी फीडिंग छुट्टी हुई है तो उससे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं ग्रुप का, ग्रुप में यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड हो रखा है जिसमें लिखा है पोषण पखवाड़ा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर थीम का, थीम को यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सभी थीम खुल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहली 9 तारीख में हमारी थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी, तो हम यहाँ पर पोषण भी और पढ़ाई भी पर सबसे पहले वाली थीम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से फीड है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। फिर है दोस्तों यहाँ पर लेवल, आप किस लेवल से फीडिंग कर रहे हैं, आप ब्लॉक लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आप इसको जो का तो छोड़ देंगे, अगर आप आंगनवाड़ी लेवल से एक फीडिंग कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आंगनवाड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आंगनवाड़ी सेंटर सेलेक्ट करना होगा कि आप किस सेंटर से बिलोंग करते हैं, कौन सा आपका सेंटर है, आपको वो सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे फिर है एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और दोस्तों जो भी एक्टिविटी आपने अपने केंद्र पर आयोजित की है आपको उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर पहली है शपथ ऑन ECCE, दूसरी है यहाँ पर शिक्षा चौपाल, तीसरी है यहाँ पर होम विजिट फोकसिंग ECCE। तो दोस्तों जो भी गतिविधि आपने अपने केंद्र पर आयोजित की थी 9 तारीख में आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर शिक्षा चौपाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने डेट का ऑप्शन आ गया है, आज 10 तारीख है लेकिन हम फीडिंग आपको करके दिखाएंगे 9 तारीख की। तो यहाँ पर जैसे हम फ्रॉम डेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 9 सिलेक्ट करना होगा। 9 सिलेक्ट करने के बाद आपको सेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद है टू डेट, टू डेट पे आप यहाँ पर 10 तारीख को ही सिलेक्ट रहने दीजिए क्योंकि आप फीडिंग 10 तारीख में कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे है पार्टिसिपेंट डिटेल्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैटेगरी है मेल और इसको थोड़ा इधर करेंगे तो यहाँ पर फीमेल। आप पर जो भी आपके प्रतिभागी आपकी गतिविधि में रहे होंगे आपको उनकी संख्या यहाँ पर लिख देनी होगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको भी यहाँ पर ऐसे लिख देना है। आप देख पा रहे होंगे लिखने के बाद टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है, पूरा योग यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद जैसे आप उसे थोड़ा ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपलोड पिक्चर, जो भी गतिविधि की आपने अपनी फ़ोटो क्लिक की होगी उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो गैलरी खुल जाएगी। फ़ोटो गैलरी खुलने के बाद वहाँ से आप उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, वह फ़ोटो आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों फ़ोटो आपका 2 MB से कम का होना चाहिए, 2 MB से ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। अब है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको वह डालना है जो भी आपने गतिविधि की है। जैसे मैंने अभी शिक्षा चौपाल को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर शिक्षा चौपाल आप लिख सकते हैं या जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। लिखने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर ये सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सब कुछ फिल करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आ गया है सक्सेसफुली सबमिटेड। आई मीन जो भी हमने गतिविधि अभी ऊपर दर्ज की थी सबमिट करने के बाद हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा कि आपको आज रविवार अवकाश में फीडिंग करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कैसे करनी है। और दोस्तों मैंने आपको गतिविधि भी बता दी है, थीम भी बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको कोई गतिविधि कैलेंडर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके पास गतिविधि कैलेंडर भेज दूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है घर बैठे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।